नमस्कार, मैं आरके सक्सेना आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आप सभी लोगों जो हमसे जुड़े हुए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया है उन्होंने या सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर भी वो हमारा वीडियो देखते हैं, और जिस तरह से इस छोटे से चैनल को एक प्रोत्साहन मिल रहा है, इसको ज़्यादातर बच्चियां पसंद कर रही हैं, और हमारा ऐसा मानना है कि हर नर्सिंग की बच्ची, दो बच्चियों में से हर एक बच्ची इस चैनल को जो है वो देख रही है, किसी न किसी तरह से देख रही है, और ऐसी तमाम बच्चियां भी जिन्होंने आज अच्छी रैंक हासिल की है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, तो ऐसी बच्चियां भी इसमें निरंतर कमेंट कर रही हैं, इस चैनल को देख रही हैं, जिसकी जानकारी हमको जो है वो हो रही है। तो जिस तेजी से ये चैनल बढ़ रहा है, और ये तो कोई शिकायत वाली बात नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से जिस तरह से सीमित संसाधनों में, जी हाँ, हमारे पास जो है लगभग 12,000 का एक मोबाइल है, उसी मोबाइल से हम ये वीडियो बनाते हैं, और हमारे पास वो तमाम संसाधन नहीं है जो कुछ लोगों को अवेलेबल हैं। लाखों के इंस्ट्रूमेंट हैं, उनकी सहायता से जो अपने वीडियो बनाते हैं, लेकिन हमारा बड़ा सिंपल तरीका है, कहीं भी बैठ करके यदि हमको कोई इस तरह की न्यूज मिलती है या बच्चियां जो मैसेज में हमसे क्वेश्चन पूछती हैं, तो उसी के जवाब में, एक कामन रूप से जवाब में, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का वही प्रश्न होता है, तो हम कहीं भी बैठ करके एक सिंपल सादा सा वीडियो बना देते हैं। उसमें हम कोई भी एडिटिंग नहीं करते हैं, कहीं भी कुर्सी लगा ली या कहीं पे भी बैठ गए, कहीं पे खड़े खड़े। तो आज जो मुख्य रूप से हमारा जो उद्देश्य है कि हमारे नहीं बल्कि आप सबके, क्योंकि आप सबके हित में ही ये चैनल बनाया गया है, और इसको हमने नहीं बनाया है, ना हमारी कोई ऐसी सोच थी, इसको एक नर्सिंग की ही बच्ची रोशनी विश्वकर्मा ने इसको बनाया था। ये लगभग 3 से 4 साल पहले की बात है, और हमने इसमें कुछ काम भी किया शुरू में, लेकिन फिर हमने काम इसमें बंद कर दिया। जब कोई हमको विशेष मुद्दा मिलता है तो हम निरंतर जो भी उससे संबंधित सवाल होते हैं उसको हम बताते रहते हैं, जिस तरह से वर्तमान में आपका PNST और ANM चल रहा है, इसमें बच्चियों को काफ़ी उत्सुकता है, तो उस पर वीडियो बना रहा हूँ। और तो मुख्य रूप से जो हमको ट्रोल किया जा रहा है, जी हाँ, और इस अभी हमने जो कुछ वीडियो डाले हैं आपकी, आप तो खुद देख सकते हैं मैसेज बॉक्स में जा करके, कि महामूर्ख, चाहे भले ही हम उसमें एक अच्छी बातें बता रहे हैं आपको, ये बकता ही रहता है, ये जब भी बोलता है झूठ बोलता है, इस तरह के मैसेजों की जो है वो एक प्रकार से बाहर सी आई हुई है। लेकिन हम ये भी बता दें कि बहुत सारी बच्चियां इससे जुड़ी हुई हैं, वो भी मैसेज करती हैं, बीच बीच में उनके मैसेज भी आते हैं, कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, हमसे पूछती हैं या अपने अंक बता करके हमसे ये पूछती हैं कि सर क्या इतने में हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या हमको ANM का सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो मेरा पूरा प्रयास होता है कि मैं हर मैसेज का जवाब देने का प्रयास करता हूँ, इसके अलावा मेरे बिल्कुल ओपन हूँ, मेरा मोबाइल नंबर इसमें चैनल में दिया रहता है, कभी कभी मैं बता भी देता हूँ। तो बहुत सारी बच्चियाँ फ़ोन लगा कर भी हमसे बातें करती हैं, अपने जो पीड़ा होती है उनकी, उनको जो है वो शेयर करती हैं, तो बिल्कुल काफ़ी समय देता हूँ। लेकिन अभी कुछ ही दिनों से, जैसे हमने बताया, किस तरह के मैसेज आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ा वर्ग नहीं है, 2-4 लोग हैं इस तरह से जो इस तरह के मैसेज बार बार मैसेज कर रहे हैं, महामूर्ख वगैरह बोल रहे हैं, ये झूठ बोलता रहता है, इसको कुछ आता नहीं है, ये बेफालतू ज्ञान बांटता है, तरह तरह के जो भी उनके मन में शब्द आते हैं। तो हम आप लोगों से हमको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो 3-4 लोग हैं वो मुख्य रूप से हमको ट्रोल कर रहे हैं, हमारे उत्साह को जो है वो कम करने का प्रयास कर रहे हैं, और इससे जो बड़े बड़े आपके जो यूट्यूब चैनल हैं, जो ऑनलाइन क्लास का प्रलोभन दे करके और आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करवाते हैं और आपको जो सच्चाई है उससे दूर रखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, ये बात किसी ने नहीं बताई, बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल हैं, एक आध दो चैनल को हम छोड़ सकते हैं,
जिन्होंने कुछ इस तरह के संकेत दिए कि काउंसलिंग में क्या होना है कि जो मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे बीएससी नर्सिंग होती है, तो केवल वहाँ पे जो है गर्ल्स ही आपकी बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं, बॉय उसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और इस बार जो पीएनएसटी 2024 का एग्जाम हुआ है उसमें बॉय और गर्ल्स दोनों ने पेपर दिए हैं, और जिस तरह से हमको संख्या कुछ जानकारी से मिली है कि लगभग 175,000 के एवं, ये जानकारी मैं प्रूव नहीं करता हूँ लेकिन हमको इस तरह की कुछ सूचनाएं मिली हैं कि इतने अभ्यर्थियों ने इसमें छात्रों ने जो है वो ये एग्जाम को दिया है। तो हमारा ये मानना है कि जैसे ही बॉय बहुत अच्छे अच्छे रैंकों में बैठे हुए हैं, हमने ये भी बताया था आपको कि 10th रैंक तक में आपके दो बॉय हैं जिनको निसंदेह रूप से नियमों में इस तरह का है जिसके कारण से उनको जो है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज नहीं मिलेगा, तो ये सभी हटेंगे नर्सिंग में क्योंकि ये चॉइस फिलिंग में जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस फिलिंग बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं कर सकेंगे। तो इससे होगा क्या, तो हमने हम अनुमान लगाया कि जिस तरह से अनुपात है, जैसे पिछले साल जो 2022 इसका रिजल्ट नहीं आया उसमें करीब 60,000 बच्चियों ने एग्जाम दिया था और ये संख्या दुगने से अधिक हो गई है। तो हमारा ये तो मानना है कि 70% इसमें लड़कियां हैं लेकिन जो शेष इसमें जो संख्या बढ़ी है उनमें से लड़के हैं भी हैं, बॉय भी हैं, जो उनको आपका सरकारी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज नहीं मिलेगा और उन्होंने अच्छी अच्छी रैंक बना रखी है। तो इन रैंक वालों को जब नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट रैंक वालों को जो है वो मौका मिलेगा, और इस तरह से हमने अनुमान भी बताया है आपको कि पदों से करीब 10% हम एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, जैसे कि 500 पद हैं, जैसे 502 पद हैं आपके अनरिजर्व के, तो उसमें हम ये मान सकते हैं कि 50 अधिक रैंक में जो है वो सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि कुछ बच्चे नहीं ज्वाइन करते हैं या कुछ उनकी जो है वो जो उसकी योग्यताएं हैं जो आपका वेरिफिकेशन होता है उसमें उनकी डॉक्यूमेंट जो है वगैरह गड़बड़ पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है कुछ बच्चे उससे बाहर भी होते हैं। और ये किसी ने नहीं बताया होगा आपको कि जो बच्चे हटेंगे, तो बच्चे अगर मान लें अपन कि 30% ही हैं, 40% हैं, अभी हम अनुमान ही लगा रहे हैं क्योंकि इस तरह के आंकड़े अभी जो है अवेलेबल नहीं है, तो जब ये बच्चे हटेंगे तो निसंदेह रूप से सभी वर्ग में अनरिजर्व में है आपका, EWS में है, OBC में है, ST में है, SC में है, सभी वर्ग में ऐसे बच्चे हैं जो अच्छी रैंक बना करके और बैठे हुए हैं लेकिन उनको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है वो हर सीट में, हमने लगभग बताया था आपको 1860 सीट है, जबकि हमने बताया था कि डाउट भी है इसमें क्योंकि कुछ कॉलेज में जो है वो सरकारी कॉलेज काउंसलिंग शायद ना कर पाए। रीवा वाले कॉलेज के संबंध में तो यदि काउंसलिंग जल्दी हो जाती है तो पोस्टिंग चल रही है उसको मान्यता दिलाने के लिए, लेकिन अभी तक मान्यता उसको जो है वो नहीं मिल पाई है। तो रीवा का हमको डाउट है कि एक शायद ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। इस तरह से 2-3 कॉलेज और हैं जिनमें CBI जांच के अंतर्गत जो है वो कुछ कमी पाई गई थी, उनको सुधारने की बात हो रही है कि वो कमी को सुधार करके और पुनः जो है वो मान्यता प्राप्त कर लें। तो ऐसे कॉलेज भी हैं और इनका भी डाउट है कि ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने मोटा आंकड़ा मान लिया कि 1860 सीटें हैं आपकी, यदि हम इससे करीब 200 सीटें हम कम कर दें तो ये करीब आपका 1600 के आसपास आपकी सीटें हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो लड़के जब हटेंगे तो अधिक रैंक वाले जो बच्चियां हैं जिनको ज्यादातर जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, तो उनको एक प्रकार से हतोत्साहित कर रहे हैं और इसलिए वो उस प्रकार का वीडियो नहीं बना रहे हैं ताकि वो हतोत्साहित होकर के उनका कोई ऑनलाइन कोर्स जो है वो ज्वाइन कर लें, तो इस तरह से उनको एक फायदा होगा। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो भी बातें की जा रही हैं वो अपने फायदे के लिए की जा रही हैं। तो हमने इस तरह का वीडियो बनाया था कि अधिक रैंक वाले बच्चियों का भी को मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज, तो इससे स्वाभाविक है अगर 30% बच्चे इस तरह के हर वर्ग में हैं आपके, जब वो हटेंगे तो ये 30% आपकी रैंक जो है वो और अधिक हो जाएगी और उसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब ये वीडियो हमने बनाया, बड़ा अच्छा वीडियो था, किसी ने आज तक नहीं बताया ना किसी ने इस तरह से सोचा, हमारा ये मानना है। तो
इसमें भी जो हमारे खिलाफ एक प्रकार से साजिश चल रही है, हमको हस्ताक्षर करने का प्रयास किया जा रहा है इस चैनल में, जो है वो इस तरह के मैसेज भेजे जा रहे हैं ताकि इस चैनल की रेपुटेशन जो है वो खराब हो जाए। तो बहुत गहरी साजिश है। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं इस वीडियो को, तो इस वीडियो में हमको ये व्यक्ति झूठा है और कुछ भी बोलता रहता है, महामूर्ख है, इस तरह के मैसेज हमको आ रहे हैं और वो भी सीमित संख्या में जो आपके हैं इसमें मैसेज कर रहे हैं, वही जो है वो बार बार जो है वो इस तरह का मैसेज जो है वो रिपीट कर रहे हैं, शब्दों का ही फेर करके फिर मैसेज कर रहे हैं। तो उनका यही उद्देश्य है कि सच्चाई आपके सामने तक ना आ पाए, क्योंकि यदि ऐसी स्थिति होगी तो यदि 500 नंबर वाली बच्ची तो ठीक है, और यदि हम इसमें मान लें कि करीब 200 सीटें इसमें बढ़ जाती हैं तो 700 रैंक तक वाली बच्ची को जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांस बन जाते हैं। लेकिन ये लोग इसलिए नहीं बता रहे हैं कि यदि हम बता देंगे तो इस रैंक पाने वाली बच्चियां जो 500 सुपर रैंक पा रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे किसी ऑनलाइन चैनल ऑनलाइन कोर्स को ले लेंगी, उस प्रकार से हमको जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये वही बताते हैं जिसमें इनका जो है प्रॉफिट हो, इनके पास काफ़ी संसाधन है, अपनी बातें ज़्यादातर पहुंचा सकते हैं। हमारा ये चैनल बहुत छोटा चैनल है, अभी कुछ ही दिनों से हमने इसमें काम करना शुरू किया है, और काम हमारा मुख्य रूप से जो आपका इसमें स्टार्ट हुआ हमारा, तो आपको याद होगा इन बच्चियों ने एग्जाम दिया होगा या नर्सिंग के संबंध में उनके पास जो है वो फैक्ट है कि 2021 में काउंसलिंग तो हुई थी, रिजल्ट भी आया था, लेकिन उसमें केवल जो है डीएमई की काउंसलिंग हुई थी, डीएचएस की काउंसलिंग नहीं हुई थी। तो हमने एक प्रकार से कई बच्चियों को इकट्ठा किया, हमने कई तरह के ग्रुप बनाए इस तरह से ताकि जो मध्य प्रदेश में दूर दूर बच्चियां बैठी हूँ तो उनके आपस में जो है वो कम्युनिकेशन हो सके, और इस हम में काफ़ी सफल भी रहा, और बच्चियों ने ही चंदा करके, थोड़ा बहुत चंदा करके, और इस केस को जो है वो हाई कोर्ट में लगाया केस कि डीएचएस की काउंसलिंग भी जो है वो कराई जाए। लेकिन बिल्कुल नहीं, काफ़ी मेहनत की हम लोगों ने, तो ये दावे करते हैं कि आपके साथ हैं, तो यहाँ भी हमको जरूरत पड़ती है आपके हम साथ जो है वो नजर आते हैं। तो उस मामले में दुर्भाग्य बस ये रहा कि हम मुकदमा जो हार गए और फैक्ट हमारे पास मजबूत थे, शायद मैं जाकर के वहाँ बहस करता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि मैं भी जो है वो एडवोकेट हूँ, 92 का एडवोकेट हूँ, आपके रीवा के जो कोर्ट है वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, और इसके अलावा जो है वो हाई कोर्ट भी मैं जाता रहता हूँ। लेकिन इस मामले में हमने हमारे थोड़ा सा एक प्रकार से विश्वास करके वकील की कहें या हम लोगों की कहें, किसी की भी कह सकते हैं कि हम लोग जो है अपनी बातों को वहां पे अच्छे ढंग से पेश नहीं कर पाए, फलस्वरूप हमको जो है वो पराजय मिली। इसी तरह की स्थिति आपकी जो है वो 2022 में बनी कि इसका रिजल्ट ही नहीं आया, और ग्वालियर खंडपीठ में जो है वो एक याचिका लगाई गई, रिट लगाई गई, और उसके माध्यम से इसको स्टे मिला, और उसके बाद ये आज तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। और मैं ही बोल रहा हूँ कि मुझे पूरी तरह से अनुमान लग रहा है कि अब इसका रिजल्ट जो है वो आने के बहुत कम चांस हैं, क्योंकि ये टाइम बार में फंस चुका है। और इसी बात को लेकर के हमने जो आपका पीएनएसटी 2024 का जो हुआ एग्जाम अभी, उसके संबंध में भी हमने एक जो टाइम बार में न फंसे उस बात को लेकर के बड़े तथ्यों को स्पष्ट करते हुए एक वीडियो बनाया, और उसमें तथ्य ये थे कि जो आपकी इंडियन नर्सिंग काउंसिल है तो वो सभी कॉलेजों को जो है मॉनिटरिंग करती है, तो ऐसी स्थिति में उसने क्या कर रखा है कि उसने एक डेट दे रखी है, वो डेट ये है कि जिस वर्ष का आपका नोटिफिकेशन हो उस वर्ष के 30 सितंबर तक जो है वो एडमिशन वगैरह की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी, और 2022 में कुछ इसी तरह का हुआ, क्योंकि टाइम बाट के आधार पे ही इस मामले को जो है आज तक जो है उसमें कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, और संभावित है कि जल्द ही कोई अंतिम फैसला इसमें आ जाएगा, इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। तो इसी बेस को बना करके कुछ याचिकाकर्ताओं ने
आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल से ये निवेदन किया कि इस डेट को जो है वो बढ़ाया जाए। यद्यपि प्राथमिक स्तर पर जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसने बढ़ाने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसने कुछ विचार करके इस डेट को जो है वो एक महीने लगभग एक महीने एक दिन के लिए बढ़ाया, यानी कि जो 30 सितंबर की डेट थी उसको 31 अक्टूबर तक कर दिया। तो हमने बहिष्कार व्यक्त किया था, हमारे जो है वो हम जले हुए हैं पीएनएसटी 2022 में इस तरह की बातों को लेकर के कि ये आपका जो सिस्टम है क्योंकि 31 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था पूरा एडमिशन वगैरह की प्रक्रिया, लेकिन जिस गति से ये कार्रवाई चल रही है, जिस गति से रिजल्ट आया तो आशा थी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग जो है वो काफ़ी पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी ताकि हम 31 अक्टूबर के पहले जो है वो अपना हम एडमिशन वगैरह कंप्लीट कर दें और इसको टाइम बाढ़ से हम बचा सकें। तो इस तरह के वीडियो कोई नहीं बताएगा आपको, तो उस तरह की जानकारी मैं बताता हूँ। बहुत लोगों को बुरा भी लगा, स्वाभाविक है बुरा लगना, लेकिन इसमें हमको बहुत ज़्यादा कमेंट आए, जबकि मैंने कहा कि इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टाइम बाढ़ मैं करवा रहा हूँ, एक हम जो संकट है एक दुखद स्थिति निर्मित होने हो सकती है आगे चल के, उससे बचने के लिए मैं प्रयास की बात कर रहा था कि हम सबको मिल करके और जो भी जिम्मेदार पर्सन है आपका जैसे ESB है और जो काउंसलिंग करवाने के लिए मुख्य जो उत्तरदायी संस्था है अपने मध्य प्रदेश में वो है आपका DME, तो हमको DME में ऑफिस में जाकर के वहां भी बात की करनी चाहिए था कि इसको टाइम बाट से बचाया जाए और इसकी प्रोसीडिंग जो है काउंसलिंग वगैरह की जो भी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड होती है उसको जल्दी जल्दी करके और 31 अक्टूबर के लगभग जो है वो रिजल्ट दे दिया जाए। तो एक प्रकार से हमने इसके बचाव के लिए कहा, लेकिन ऐसे लोगों को और मौका मिल गया जो हमारी जो है आलोचना नहीं कहेंगे हम, इसको बुराई कही जाती है, बुराई बुराई करते हैं, मैसेज में बुराई करते हैं, हमको बड़े अपशब्द शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है हमको कोई इससे आपत्ति नहीं, थोड़ा सा दिल में जो है वो दर्द होता है कि हम क्या करते हैं, हम तो अपने सीधे साधे ढंग से सरल शब्दों से जो भी आपके संबंध में जानकारियां हमको मिलती हैं पेपर के माध्यम से या कुछ फोन द्वारा, तो उसको हम इंक्लूजन करके और आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा बुरी भी हो सकती है, कभी अच्छी भी हो सकती है, जैसे दोनों हमने बताया कि लड़के हटने से लड़कियों को अधिक रैंक में होगा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन, गुड न्यूज है। दूसरी न्यूज जो कि टाइम बार्ड से बचाया जाए इसको, तो हम लोगों को उसमें प्रयास करना चाहिए। तो ये न्यूज थी, थोड़ा सा बुरी लगी होगी जो उन बच्चियों खासतौर से जिनका अच्छी रैंक है, उनका सिलेक्शन हो रहा है, इसमें हम टॉपरों को भी लेंगे, तो उनके मन में भी ये बात उठी होगी कि ऐसा ये हमारा बुरा चाह रहे हैं, जबकि हमारा उद्देश्य तो क्या है, हमारा उद्देश्य है कि आने वाले खतरों से आगाह कर रहे हैं और पहले से ही आप जो है वो उससे निपटने की प्रयास कर रहे हैं तो खतरा जो है वो टल जाए। तो मेरी काफी आलोचना नहीं, बुराई हो रही है, रेपुटेशन को गिराने का प्रयास किया जा रहा है, जो हम सच बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो वो ना पहुंच सकें, क्योंकि अगर वो बातें पहुंचेंगी तो निसंदेह रूप से जो इनका चैनल है इसमें ये इनका कोई जानकारी देना उद्देश्य नहीं होता है, सिर्फ अपना जो इनके पास ऑनलाइन कोर्स होता है तो ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं ये, और ऑनलाइन कोर्स कितना किसके लिए फायदेमंद हो सकता है इस पर बिल्कुल विचार नहीं करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि ऑनलाइन कोर्स अच्छा है केवल उन बच्चियों के लिए जो कि जिनके कॉन्सेप्ट जो हो क्लियर हो, और ज्यादातर नर्सिंग में आपका ये देखने को मिलता है कि इस एग्जाम को ज्यादातर वो बच्चियां देती हैं जो ग्राम क्षेत्रों में पढ़ी होती हैं, बहुत ज्यादा उनमें जो है वो क्योंकि उनका टीचर वगैरह उस तरह की शिक्षा नहीं दे पाते ताकि उनका लेवल बढ़ सके, तो उस स्थिति में जो है वो एक साधारण लेवल से आती हैं और उनको यदि हम ऑनलाइन कोर्स थमा देते हैं तो हम उनके संग जो है वो घोर अन्याय करते हैं, क्योंकि उनके काउंसलर वगैरह क्लियर नहीं होते हैं, उनको डायरेक्ट गाइडेंस की जो है वो आवश्यकता होती है। तो इस बात को नहीं विचार करते हैं और कुछ कीमत बना करके 499 रुपये बना दिया या 399 बना दिया, इस तरह से बना करके उनको ऑनलाइन कोर्स जो है वो भेज देते हैं और उन बच्चों को समझने में काफ़ी कठिनाई होती है और
इससे उनका जो है वो साल भी बर्बाद होता है, टाइम भी बर्बाद होता है। तो ऐसा क्यों करते हैं, उन्होंने बता दिया कि सब ये पैसे का खेल है, कोई भी इनका हित आपसे नहीं जुड़ा हुआ है और हम आपसे बिल्कुल स्पष्ट बात करते हैं। ठीक है, हमारी मास्टरमाइंड कोचिंग चलती है, उसमें नीट नर्सिंग का भी चलता है, अदर कोर्स भी चलते हैं उसमें, लेकिन हम अपना मार्केटिंग हमारा अधिकार है क्योंकि हम उसकी मार्केटिंग जारी जारे तक लोग तक पहुंचे ताकि वो लाभ ले सकें, ये हमारा उद्देश्य होता है। और इससे जो कोचिंग के तमाम खर्चे होते हैं उसकी हम जो है वो पूर्ति करते हैं। तो हमारा सिंपल उद्देश्य है, हमारे पास कोई बहुत संसाधन नहीं है, एक ये माइक है, ये देख रहे होंगे, ये है, तो यही मेरे पास है, ये भी हमको जो है वो एक बच्ची द्वारा ही गिफ्ट किया गया है, उसी का उसी ने हमको राय दी थी और बोली थी सर मैं ऑनलाइन से मंगवा दूंगी, और मेरे पास आ गया। जब हमने उसको पैसे के बोला कि भाई पैसा तो हमने आपको भेजा नहीं था पहले, तो ये कैसे आ गया, तो बोले सर इसका पैसा जो है पेमेंट है। वैसे साफ संकेत है कि वो बच्ची जो है वो एक प्रकार से हमको गिफ्ट कर दिया। ये माइक है, देख रहे होंगे आपको, मोबाइल बड़ा सिंपल है, लेकिन सच्चाई अगर बताना चाहते हैं हम, चाहे वो अच्छी खबर हो चाहे बुरी खबर हो, यदि आप तक पहुंचाना चाहते हैं, या तो कोई वैकेंसी आती है आपकी जैसे कि एम्स वगैरह है, तो किस तरह तैयारी करें, आपका पीएनएसटी की तैयारी किस तरह से करें, नीट की तैयारी किस तरह से करें, जो हमारे अनुभव हैं, एक्सपीरियंस है काफ़ी, 31 ईयर का अनुभव काफ़ी मायने रखता है, कोई गर्व से नहीं कह रहा हूँ, अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे हमको जो है वो कुछ चीज़ों का एहसास हो जाता है कि हम क्या करें, कैसे करें, क्या हमारी रणनीति हो जिससे हमको सफलता मिल जाए। तो चैनल में हम बताते रहते हैं, बहुत सारी बच्चियां उसको सुनती हैं, देखती हैं, और लेकिन हमारा ये मानना है कि कोई भी किसी को जो है वो पास नहीं करा सकता, और पास की बात ना करें तो टॉप नहीं करा सकता, क्योंकि जो टॉपर होता है उसमें अपने आप की क्वालियत होती है, और यदि आप में इतनी शक्ति है, आप पूरा श्रेय लेना चाहते हैं कि नहीं हमने इसको जीरो से बनाया है, तो यहाँ पे आप जो है वो निसंदेह रूप से गलत हैं। ये है कि थोड़ा मात्र योगदान हो सकता है, जैसे मैं भी बोलता हूँ कई वीडियो में, कई बच्चे हमारे पास इंटरव्यू देने आते हैं, कोचिंग के बच्चे आते हैं, बाहर के बच्चे भी आते हैं, लेकिन किसी के मुंह में हम ये बात नहीं डालते कि आपने पढ़ाई जो है मास्टर माइंड से की है या मास्टर माइंड की आप बढ़ाई करिए, हम कभी प्रेरित नहीं करते। हम जनरली उनसे वो बातें करते हैं कि जिनके माध्यम से आप में, यदि वो गलतियां आप कर रहे हैं, जो गलतियां वो पहले कर चुके हैं या उन्होंने नहीं की हैं, तो उनसे आपको जो है फायदा मिले। तो अभी एक वीडियो डाला है, आगे भी वीडियो डालूंगा, मेरा तो टॉपरों से अनुरोध था जो 10 रैंक तक आए हुए हैं कि वो हमसे संपर्क करें और अपने उन तमाम खूबियों को बच्चों तक, जो बच्चे हैं बच्चियां हैं उन तक जो है वो पहुंचाएं ताकि उसका लाभ उनको भी मिल सके। यहाँ पे घटना हमारे साथ और होती है कि नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि मुझे तो डराया गया है एक प्रकार से, बच्चे के माध्यम से, उनके अभिभावक के माध्यम से, कि नाम भी लेना मेरे लिए जो एक प्रकार से डर की बात है। तो ऐसे लोगों को मिल बांट के जाना चाहिए, जो व्यक्ति टॉप करता है वो किसी अपने आप का नहीं होता है, वो पूरे एमपी टॉप के एमपी का होता है, अगर उसकी 10th रैंक आई, 9th रैंक आई, 8th रैंक आई, जो भी उसकी रैंक आई, तो उसका भी एक फर्ज बनता है कि जो अपनी बातें जो है बच्चों तक पहुंचाए। तो इससे भी उनको रोका जा रहा है, इस तरह के हमको समझ में आ रहा है, और हमारा तो ये उद्देश्य रहता है कि यदि कोई सफल हुआ है, चाहे वो हमारी संस्था का हो या ना हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उसको उन बातों को खासतौर से अपने प्रश्नों के माध्यम से उन बातों को बुलवाते हैं उनसे कि जिसका लाभ आप लोगों को मिल सके। तो एक बहुत गहरी साजिश है, गहरी साजिश कहेंगे कि इस चैनल को किस तरह से जो है वो तोड़ा जाए या इसको कम किया जाए या सक्सेना सर को जो है हस्ताहित किया जाए कि वह हस्ताहित होकर के वीडियो बनाना बंद कर दें। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा यदि कोई सोचता है तो बिल्कुल इसमें रत्ती भर जो है वो सत्यता नहीं है। मैं प्रयास करता रहूंगा, आप तक बात पहुंचाता रहूंगा, और जहां भी हमें महसूस होगा कि आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूं तो वहां पे मैं करने से भी कभी पीछे नहीं हटूंगा। तो ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, लेकिन एक दिल में पीड़ा है, उस पीड़ा को हम व्यक्त करना चाह रहे हैं, और हम खास तौर से, अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमने जो कहा आपके उसमें कितना विश्वास कर रहे हैं, कितना बिलीव कर रहे हैं,
आप हमको कितना अपना मान रहे हैं, तो मैसेज करिए, जितने अधिक से अधिक हो मैसेज करिए, और इस तरह के जो हमारे खिलाफ एक साजिश चल रही है उस साजिश के खिलाफ जो है वो एक अभियान चलाइए। यदि कोई भी इस तरह का मैसेज आता है जो साजिश के तहत, तो उस मैसेज को जो है वो आप रिप्लाई करिए और उसको जो है वो बताइए, उसका इतना विरोध उसके विरोध करिए यदि मैं सही हूं। तो आप मैसेज करिए हमको कि क्या मैं सही हूं या गलत हूं, एक प्रकार से वोटिंग करना चाहता हूं, और यदि मैं साबित हो जाऊंगा, आप लोग वोटिंग करेंगे कि मैं गलत हूं, मैं बकवास जानकारी देता हूं, हमेशा झूठ बोलता हूं, यदि आप इस पक्ष में वोट देंगे तो एक प्रकार से हमको एक संतोष होगा, और मैं समझूंगा कि इस चैनल का जो उद्देश्य है, मकसद है आपकी बातें आप तक जो है पहुंचाना तो सही नहीं है, तो मैं चैनल जो है वो इसमें वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, खासतौर से नर्सिंग बच्चियों के बारे में या नर्सिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि हम बता दें, हमने बताया भी कई बार कि ये चैनल केवल नर्सिंग के लिए नहीं है, नीट के लिए नहीं है, बल्कि इनके साथ साथ जो है वो अन कम्पिटेटिव एग्जाम है उनके लिए भी चैनल है। उससे संबंधित जो भी हमको मैटर मिलते हैं, चाहे वो सिविल जज हो, ADPO हो, या आपका PSC वगैरह हो, या बंडी एग्जाम बहुत सारे जो होते हैं कई तरह के डिपार्टमेंट, तो उनमें आपको जो है वो गाइड करता रहता हूँ, तो सबके लिए है। तो ऐसे लोग भी इस चैनल को देख रहे होंगे, तो वीडियो बनाना बंद करूंगा, खासतौर से जो नर्सिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। यदि आप ये वोटिंग करते हैं प्रकार से, मैसेज के माध्यम से वोटिंग करिए, यदि आप हमको सही मानते हैं तो वोटिंग करिए, यदि आप हमको गलत मानते हैं तो उस तरह की वोटिंग करिए, और इसका मैं एक प्रकार से औसत, जी हाँ, निकाल करके और ये निर्णय ले लूंगा कि आप लोगों के लिए अब वीडियो हम ना बनाएं, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन देना बिल्कुल कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं है। तो रात है आपका जो है करीब 12:45 बजे का समय है, आज हमने समझा कि आप लोगों से जो है वो बात की जाए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए तो हो जाने दीजिए, आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद, लेकिन यहाँ पे हम आपसे एक और अनुरोध करेंगे कि आप मैसेज के माध्यम से हमको ये बताने का प्रयास करिए कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, जिस तरह से जो हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है उसमें हमको जो है वो गलत सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बहुत बातें की जा सकती हैं आपकी, और निरंतर यदि आप हमसे फोन लगाएंगे तो आपसे हम बात करेंगे और मैसेज करेंगे, तो हम मैसेज का सवाल देने का जवाब देने का प्रयास करते हैं। कुछ अधूरे मैसेज होते हैं, जैसे कि हमारी कैटेगरी रैंक जो है वो कितनी है और हमारा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब कैटेगरी कौन सी है ये नहीं बताया जाता कि ST है, SC है, OBC है, तो इस तरह के जवाबों को हम जवाब नहीं दे पाते हैं। कुछ बड़े अजीब टाइप के सवाल होते हैं, उनके जवाब हमको आते ही नहीं, दे भी तो क्या दें, तो उनके जवाब नहीं देते हैं, लेकिन ज्यादातर हम जवाब देने का प्रयास करते हैं। जहां तक कुछ लोग बोलते हैं सर ये कोचिंग का प्रचार कर रहे हैं, अपनी व्यू बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमसे बहुत सारे अभिभावक लोग हैं, बच्चियां हैं, वो संपर्क करती हैं और हम उनको राय देते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन ऐसी बच्चियां बहुत सारी जिसमें बातें की होंगी इस तरह की, अभिभावक हैं वो भी मैसेज करें कि सही बोल रहे हैं हम, तो हम उन बच्चियों को जो है वो कभी इस तरह का नहीं कहते हैं कि आप जो है वो मास्टरमाइंड कोचिंग में आ जाएं। हम बोलते हैं बेटा फिर से मेहनत करो, और एक हमने एक छोटा सा नारा बना रखा है कि यदि कम नंबर आ रहे हैं या पहली बार एग्जाम दिया है तो स्वाभाविक है कुछ रिजल्ट ऐसा ही होता है, तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने कहा है कि ना हो निराश, करो जोरदार प्रयास। तो आज आपका सिलेक्शन नहीं है, लेकिन कल आपका हो सकता है यदि आप मेहनत करते हैं, तो प्रयास करिए, और प्रयास तब तक करिए, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना होगा आपको, यदि आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो एक ही दो प्रयास के बाद जो है वो आपको सफलता मिल जाएगी। तो बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, बहुत बातें कर सकते हैं, क्योंकि जब क्लास वगैरह में हम लोग पढ़ाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि संडे क्लास होती है, करीब 2.5 से 3 घंटे तक बच्चों को से बातें करते रहते हैं, तो एक प्रकार से हैबिचुअल भी हो गए हैं बातें करने के। लेकिन यहाँ पे हम आपसे हमने जो बातें करनी थी वो लगभग हमारा मानना है कि हम आपसे जो वो बातें कर चुके हैं, और ये वीडियो हम जो है वो रात के ही
आपका अपलोड करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो है, टाइम लगेगा, और हो सकता है कि कुछ लोग जग रहे हों या जो सो गए हैं उनको ये आपका सुबह वीडियो मिलेगा। तो गुड मॉर्निंग, और हमारा ये अनुरोध है कि वीडियो आप जो है वो ज़रूर देखें। तो आज इतना ही, और अंत में जो हमारा डायलॉग होता है कि मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, नमस्कार, धन्यवाद।